बिहिया थाना क्षेत्र के बासदेवपुर गांव में रविवार के देर शाम पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, साथ ही फायरिंग की गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना में एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, हालांकि किसी को गोली लगने की बात सामने नहीं आ रही है। वहीं इस घटना में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया है। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने एक पक्ष के द्वारा गांव में शराब और मादक पदार्थ बेचने का विरोध किया, जिसके विरोध में लड़ाई हो गया और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिए। वे तीन लोग का सर फटा हुआ आया है, क्या मामला है? तीन लोग, ये लोग बिहिया पीएचसी से रेफर होकर के आए हैं, इन लोग का मारपीट का केस है। तीनों को सर में चोट आया है, बेहतर इलाज के लिए यहाँ सदर अस्पताल भेजा गया। तो इनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, इनके जो भी इलाज है उसका प्रिस्क्राइब कर दिया जा चुका है, लेकिन इनका रिक्वेस्ट है कि हमें पटना पीएमसीएच इलाज करना चाहते हैं, इसलिए हमने वहाँ रेफर कर दिया है। तो इनकी रिक्वेस्ट पे हमने तो रेफर कर दिया है, अब बाकी इलाज चल रहा है, देखिए अगर ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, मेडिकल ऑफिसर सदर हॉस्पिटल आना। कैसे चोट लगाई है सर? ये मारपीट में चोट लगा है। कहाँ के मारपीट? बांसतेपुर में। तो उन लोगों ने कहा कि उनके चार पांच लोग और घायल हुए हैं? हाँ, वो लोग चार पांच लोग घायल हुए हैं, लेकिन गांव में हीरोइन और दारू बिक रहा था, इसी के विरोध में जो आदमी जो है आए, हम लोग विरोध किए थे, इसी के चलते जो है ये सब काम मामला जो है। और काटा ले करके कुछ बदमाश बुलाए लोग बना करके और फायरिंग कर लो, एक बाद धीरे धीरे बात बढ़ गई, बात बढ़ला के बाद में हम थाना में भी प्रद्युमन सर, प्रद्युमन वहाँ पर जी सर गिरफ्तार। कौन लोग हुए? हम लोग पांच लोग हुए थे, जिसमें हम भी थे। आप लोग गिरफ्तार? कितने लोग गिरफ्तार? हम लोग पांच लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें गिरफ्तार हुए जब आप लोग हम लोग केस करने गए थे तो उसी में गिरफ्तार हम लोग हो गए। इसके बाद जो अभी चार आदमी अभी उसी थाने में हैं और हम मैंने इंजूरी के रिपोर्ट पर दिए साहब, वकर बाद जब तब हम यहाँ आए हैं। वो लोग तो सर किसान है, और ये जो झगड़ा हुआ है गुंडा एक्ट बटोरले के बाद अपन जौन बाटे फायरिंग शायरिंग कई लोग कैले के बाद जौन बाटे एक बाद में ही झगड़ा भइल। और दारू शराब के भी कारोबार करते हैं, नकलसी पार्टी के टाइप के सब आदमी हैं जी। इसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ सर। गांव के लोग क्या हुआ, थाने में गए तो क्या हुआ, मतलब विरोध करने पर पुलिस को सूचना नहीं देते हैं? सर हम लोग सूचना कई बार दिए, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता है सर। नाम हमारा नाम मनोज सिंह है सर। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार हुए हैं राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह और ऋषि सिंह। उधर से भी कुछ लोग गिरफ्तार? एक भी नहीं सर, एक भी लोग नहीं समय। क्या हुआ आपके साथ? दो चार फायर किया, तब तक पुलिस आ गई, पुलिस के सामने लोग आया, तलवार और फरसा लिया था, धड़ माथा पर चली तो दिया। कितने की संख्या में था लोग? 50-60 की संख्या में लोग था। क्या वो आपके गांव के ही रहने वाला है लोग? गांव के हरियाणा व्यक्ति है। क्या पहले से ही कोई आप लोग का? कोई आपत्ति नहीं था, ये लोग गुंडागर्दी कर रहा है, मतलब गुंडाई गुंडारी मांग रहा है, गुंडाई टाइप का है। मनोज सिंह का लड़का, राकेश सिंह, भीम सिंह और नीतेश सिंह और नीरज सिंह का लड़का था वीर बहादुर और बबलू, और वीर बहादुर का लड़का रतन सिंह, और दिलीप सिंह का लड़का था दिलीप सुकम था, ऋषि था, हरिंदर सिंह था, रामजी सिंह था, मनन सिंह और कविता सिंह। आप लोग कितने आदमी घायल हुए हैं? हम लोग पाँच छः पाँच आदमी। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका नाम?